हैं, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, या जैसे यूटीआईज भी कहते हैं। ठीक है, यूटीआईज इट मीन्स यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि आपका जो यूरिनरी ट्रैक है जहाँ जो आपके किडनी से शुरू हो रहा है और जाके एंड हो रहा है यूरिथ्रा के ऊपर, तो इसके अंदर जितने भी इन्फेक्शन होंगे वो सारे सारे इस टॉपिक के अंदर आएंगे। ठीक है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। और ये जो होते हैं मोस्टली जो है बैक्टीरिया कॉज करता है। ठीक है, मोस्टली जो है वो बैक्टीरिया कॉज करता है। ठीक है, मोस्टली जो है वो बैक्टीरिया कॉज करते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर हम किसी बीमारी को स्टडी करते हैं तो उसकी जगह कौन सी है। या एक दफा फिर से मैं आपको बता दूं कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है वो, फॉर एग्जांपल, अब जो एक बैक्टीरिया है वो इन्फेक्शन कर रहा है ब्लैडर के अंदर, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि वो यूरेटर के अंदर इन्फेक्शन क्यों नहीं करता। ठीक है, या फिर ये है कि वो किडनी के अंदर इन्फेक्शन क्यों नहीं कर रहा, वो सीधा जाके ब्लैडर के अंदर ये इन्फेक्शन क्यों कास कर रहा है। ठीक है, तो हर बैक्टीरिया को या कोई भी पैथोजन हो, ठीक है, जब आप पैरासाइटोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप ये चीज पढ़ेंगे कि वो स्पेसिफिक टू द एनवायरमेंट होते हैं। यानी कि कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी की एक जगह के ऊपर जो है ग्रोथ करते हैं, दूसरी जगह के ऊपर जो है वो अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और तीसरी जगह से वो निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें उनकी लाइफ के लिए जरूरी होती हैं और वो जगह उनके लिए नेसेसरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा होता है कि कभी कभार ऐसा होता है जो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस होते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक वो कहते हैं, उसे कहते हैं जो जिनको सिर्फ मौका चाहिए होता है। तो अगर वो बैक्टीरिया वगैरह या कोई भी पैथोजन है ऐसी जगह चला जाए जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम बात करें करेंगे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं एंटेरोकोकसाई की। ठीक है, या फिर जहाँ पे जो बैक्टीरिया का नाम लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, ये जो है आपके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करता है आपकी बॉडी के अंदर। तो अगर ये आपके फेफड़ों के अंदर चला जाए, ठीक है, तो इसके लिए जीना फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और होता क्या है कि बदले में इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इन हर बैक्टीरिया की या हर पैथोजन की अपनी एक स्पेसिफिक साइट होती है जहाँ पे ऐसे जो है स्पेसिफिक टेम्परेचर मिलता है, स्पेसिफिक काइंड ऑफ टिश्यूज मिलते हैं जहाँ जिनके ऊपर ये अपना गुजारा करता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सी जगह के ऊपर अफेक्ट कर रहा है, तो उस हिसाब से हम इनको नाम देते हैं। मोस्टली जो यूरिटर्स होती हैं आपकी आपकी पार्टी के अंदर, यूरिटर्स जो होती हैं उनके अंदर इन्फेक्शन कम होता है, या तो किडनी के अंदर होगा या ब्लैडर के अंदर होगा। ठीक है, या फिर यूरिथ्रा के अंदर होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपके यूरेटर के अंदर इन्फेक्शन वो क्यों नहीं होता। बहुत बहुत ज्यादा रेयर केसेस है कि आपके यूरेटर के अंदर केसेस हो। उसकी वजह ये है कि कुछ टाइम के लिए जो यूरिन है या ब्लड वगैरह जो कुछ भी है वो किडनी के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए, यानी कि इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन ये जो है वो स्टोर है, कुछ टाइम के लिए रोकेगा जरूर। इसके बाद ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके अंदर भी यूरिन की स्टोरेज होती है। ठीक है, इसके अंदर भी यूरिन की स्टोरेज होगी, लेकिन जो यूरेटर है इसके अंदर स्टोरेज वाला प्रोसेस बिल्कुल नहीं होता। ये जो है डायरेक्ट आपके किडनी से ब्लैडर की तरफ यूरिन को लेकर आता है। इसीलिए यहाँ पे अगर कोई स्टोन वगैरह फंस नहीं जाए, ठीक है, यहाँ पे कोई स्टोन वगैरह ब्लॉक ना हो जाए, तो इसके अलावा और चांस कोई मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे यूरेटर के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सके। ठीक है, तो मोस्टली जो है वो या तो आपके किडनी के अंदर होंगे या ब्लैडर के अंदर होंगे या यूरिथ्रा के अंदर होंगे। तो वो इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया कॉज करता है किडनी के अंदर, ठीक है, उसको कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस ये एक इन्फेक्शन है जो कि आपकी किडनी के अंदर, ये जितने भी इन्फेक्शन है सिस्टाइसिस और यूरिथ्राइटिस। ठीक है, तो एक यूरिथ्रल इन्फेक्शन है, दूसरा ब्लैडर इन्फेक्शन है, और तीसरा किडनी इन्फेक्शन है। तो ये जो है आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया कॉज करते हैं, अमूमन जो है वो बैक्टीरिया की वजह से कॉज किया जाता है। वायरस की बात इसलिए नहीं करेंगे कि वायरस छोटे मोटे डिजीजेस जो है इस किस्म की वो इतनी ज्यादा जो है नहीं लगाता। इस किस्म की जो कैसे साल के बाद आते हैं इन्फेक्शन वाले, वो अमूमन बैक्टीरिया जो है वो कॉज कर होता है, या फिर फंगस वगैरह। तो नाम देते हैं जी वो काजेस, वो बैक्टीरिया जो यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, तो उसमें है एस्क्रिशिया कोलाय। इसके ऑल अबाउट 15 स्ट्रेन है।
है, इसके अबाउट 50 स्ट्रेन है, और तकरीबन एक या दो जो है आपके लिए पैथोजेनिक है, बाकी जो है वो पैथोजेनिक नहीं है। यानी कि आप जब भी सांस लेते हो तो आपकी बॉडी के अंदर एस्क्रीशियोकोलाई जा रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी बॉडी इम्यून हो चुकी होती है तो उसी जगह पर खत्म कर देती है, या फिर ये है कि इसके कुछ स्ट्रैंड आपके लिए पैथोजेनिक नहीं होते। तो ऑल अबाउट 15 तो मेरे जहन में है, अगर और भी होंगे तो मुझे इसका कोई इल्म नहीं है, लेकिन 15 स्ट्रैंड तो इसके मौजूद है, यानी कि एक ही स्पीशी के 15 स्ट्रैंड मौजूद है। नेक्स्ट है जी स्टाइफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस, ये एक दूसरा बैक्टीरिया है, क्लिप्सिला एंटेरोकोकसाई एंड प्रोटियस मायरेबिलस, ये बैक्टीरिया हो गए जो कि आपकी बॉडी के अंदर यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो काज करते हैं। नेक्स्ट फंगस है जैसा कि कैंडिडा एल्बिकेनस, ये एक फंगस है जो आपकी बॉडी के अंदर यूरिनरी इन्फेक्शन जो है वो काज करता है। एक यीस्ट है, ठीक है, एक यीस्ट है जो कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। तो ये तो थे आपके पास यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो कि मोस्टली आपके किडनी के अंदर हो रहे थे, आपके ब्लैडर के अंदर हो रहे थे, और यूरेथ्रा के अंदर हो रहे थे, और यूरेटर के अंदर होने के चांसेस इसलिए कम थे कि यहाँ पे मसल्स जो है फ्लो हो रहा था वो भी डाउनवर्ड अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, और जहाँ पे स्टोरेज हो जाती है वहां पे चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि आप जो है यानी कि अगर आपको यूरिन आपकी बॉडी के अंदर आपको महसूस हो रहा है तो उसे जल्दी से जो है एक्सट्रीट आउट कर दें, ये हो सकता है कि जो बैक्टीरिया वगैरह हो वो यहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यूरिनरी स्टोन की, यूरिनरी स्टोन की यानी कि आपकी बॉडी जो पथरियां बन जाती हैं, पथरियाँ वो कैसे बन जाती हैं, उनकी वजूहत क्या होती हैं, और कौन कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, हो सकता है ये पढ़ने के बाद आप जो है साग वगैरह खाना छोड़ जिस तरह मैंने छोड़ दिया। तो यूरिनरी स्टोन में क्या है कि ये छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, कंकरियाँ छोटी सी होती हैं, उनका साइज जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने जब नोट किया तो वो होता है 6 to 64 मिलीमीटर, ठीक है। अगर कोई इस रेंज में छोटा सा पत्थर हो तो उसको पेबल्स कहते हैं, बहुत ही बारीक जो है वो पत्थर होते हैं, और अगर ये किडनी या यूरिनरी ट्रैक के अंदर मौजूद हो तो इनको यूरिनरी स्टोन कहते हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, यूरिनरी स्टोन कहते हैं। सिम्टम्स की बात करते हैं, अगर आपको ये सिम्टम्स वगैरह हो तो सबसे पहले क्या है कि मेजोरिटी केसेस में अगर ये आपकी बॉडी के अंदर स्टेशनरी हैं, ठीक है, या फिर किडनी के अंदर है तो आपको इतना ज्यादा जो है वो पेन महसूस नहीं होगा, हो सकता है कि एसिम्प्टोमेटिक हो, आपको पेन वगैरह महसूस ना हो, लेकिन जब ये किडनी से ब्लैडर की तरफ मूव करके जाएंगे, जब वो किडनी से ही मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और ब्लैडर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट जब ट्रेवल करेंगे तब आपको पेन होना महसूस हो जाएगा, ठीक है, पेन होना महसूस हो जाएगा, क्योंकि कुछ दो किस्म के जो स्टोन है वो आपकी बॉडी के अंदर बनते हैं, एक हो सकता है कि एस जो है सिमेट्रिकल हो सकता है वो गोल से हो, छोटे से पत्थर से जिस तरह पेबल्स होते हैं, लेकिन एक दूसरी बड़ी खतरनाक स्टोन बनती है जैसे स्पेग हॉर्न कहते हैं, और उनकी शेप जो है वो बिल्कुल बरसेंगे के सींग की तरह होती है इस तरह से। अब जब ये मूव करके जाता है तो आपको लग पता जाता है कि कुछ चीज अंदर जो है वो इन्फेक्शन या कुछ पेन वगैरह कॉज कर रही है। अच्छा, अब दूसरी बात है कि पेन होगा कहाँ पे, तो आपकी बेली साइड जो है यानी कि आपके स्टमक से लेकर आपकी थाई जो है इसके दरमियान जो रीजन आता है जैसे ग्राइन जैसे क्या कहते हैं आपके जो एबनॉर्मल कैविटी है बेली साइड, वहां पे आपको ये इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जब आपकी बॉडी के अंदर स्टोन वगैरह हो चुके हैं तो आपके जो यूरिन है उसका कलर पिंकिश या रेडिश हो जाएगा। रेडिश का मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं पे ब्लीडिंग होगी, तो वो जब आपके यूरिन के साथ मिक्सअप होगा तो वहां पे कलर साथ थोड़ा सा रेडिश होना शुरू हो जाएगा या पिंकिश, ठीक है, डिपेंड करता है कि अंदर कितनी ज्यादा ब्लीडिंग हुई है या कितनी थोड़ी अमाउंट में ब्लीडिंग हुई है। अच्छा, किस किस को यूरिनरी स्टोन हो सकते हैं, तो हर किसी को हो सकते हैं, ठीक है, हर किसी को हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो कौन सी चीज खा रहा है, ठीक है, कौन सी चीज खा रहा है, और अच्छा एनीवन कैन डेवलप, कि हर कोई जो है यूरिनरी स्टोन को जो है वो डेवलप कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये बनते किस तरह से हैं,
तो किडनी स्टोन जो है वो अमूमन यूरिन वॉल्यूम के हिसाब से, अगर आपकी बॉडी में यूरिन वॉल्यूम जो है वो बैलेंस नहीं है, ठीक है, या फिर आपकी आपकी यूरिन के अंदर ऐसी चीजें मौजूद हैं जो कि यूरिन जो कि स्टोन की फॉर्मेशन करें, ठीक है, जो कि स्टोन की फॉर्मेशन करें, ऐसे कंपाउंड्स मौजूद हैं, तब आपकी बॉडी के अंदर किडनी स्टोन वगैरह जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि केमिकल नेचर क्या होती है जो आपकी बॉडी में स्टोन बनते हैं, ठीक है। तो मोस्टली आप जो सुनने में आएगा आपको कि जो स्टोन होते हैं वो कैल्शियम और साथ में ऑक्सलेट या फास्फेट के स्टोन होते हैं, जो कि जितनी भी गैसेस होते हैं उनमें से 70% जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फास्फेट के स्टोन होते हैं, और 5 to 10% ऐसे स्टोन होते हैं जो कि जिनके अंदर यूरिक एसिड होता है, यानी कि यूरिक एसिड से जो स्टोन बने होते हैं वो 5 to 10% मौजूद होते हैं। सिस्टाइन जो कि एक अमीनो एसिड है, ठीक है, जो कि एक अमीनो एसिड है, वो जो स्टोन बनाता है आपकी बॉडी के अंदर वो है 1 to 3%, बहुत ही कम जो है वो परसेंटेज है इसकी। अच्छा, अब कुछ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के दौरान जो है वो ये स्टोन वगैरह बनते हैं जिनमें स्टूवाइट है, स्टूवाइट भी एक मिनरल है, एक एक किस्म की मिनरल है जो कि इन्फेक्शन बनाती है, और उसके चांसेस जो है वो 15 to 20% होते हैं कि पूरे जो वो जो किडनी स्टोन के या यूरिनरी स्टोन के जो केसेस आते हैं उसमें से 15 to 20% जो है वो स्टेरॉइड के स्टोन जो है वो हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली मोस्टली केसेस में कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फास्फेट जो है वो उसके स्टोन वगैरह बनते हैं। और इनका रिमूवल जो है, अगर आपके यहाँ किसी को इंडिकेशन हो रही है कि उसकी बॉडी में स्टोन वगैरह है, तो 90% ऑफ द स्टोन जो है वो आप वाटर पीने से, आप पानी पीने से रिमूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉजेस क्या क्या हैं, कॉजेस क्या 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 है। अच्छा, आपका जो पैराथायराइड हार्मोन है, ठीक है, आपका जो पैराथायराइड हार्मोन है वो क्या काम करता है कि वो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को ज्यादा करता है, ठीक है। आप एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे जो पैराथायराइड हार्मोन है जो के पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, तो इसे पैराथायरोक्सिन भी कहते हैं, और ये अपोजिट काम करता है कैल्सिटोनिन के जो कि थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। कैल्सिटोनिन क्या करता है कि ब्लड में कैल्शियम की लेवल को कम करता है, जबकि पैराथायराइड क्या करता है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है वो ज्यादा करता है। तो जब एक कंडीशन होती है जब पैराथायराइड हार्मोन जो है वो ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, हाइपर पैराथायराइड, हाइपर पैराथायराइडिज्म, जिसके अंदर पैराथायराइड हार्मोन जो है वो बहुत ज्यादा रिलीज होता है। अब जब वो हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा तो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम जो है, जो आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम जो है वो काफी ज्यादा हो जाती है। जब आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है तो इसे कहते हैं हाइपर कैल्शीमिया, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हाइपर कैल्शीमिया। हाइपर कैल्शियम से मतलब कि आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम की अमाउंट जो है वो ज्यादा हो गई है। जब कैल्शियम की अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो इसके बाद हाइपर कैल्शीरिया जो है या हाइपर कैल्शियूरिया आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाती है, यानी कि आपके यूरिन के अंदर कैल्शियम की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। जब आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम जो है बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होना शुरू होगी, तो हमने पढ़ा था कि 70% जो स्टोन बनते हैं वो कैल्शियम से बनते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट या फास्फेट, यानी कि कैल्शियम तो बन रही है, अब जस्ट उसको जरूरत है कि कहीं से ऑक्सलेट या फास्फेट आन आएंगे। और आपको पता है फास्फेट ग्रुप तो आपकी बॉडी के अंदर कितना ज्यादा मौजूद होता है, यानी कि आपके मेन जो कंपोनेंट है डीएनए उसमें मौजूद होता है, आपकी एनर्जी जो एटीपी है उसमें फास्फेट ग्रुप मौजूद होते हैं, तो जो ही वो इसके साथ बाइंड करेंगे तो आपके पास कैल्शियम स्टोन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहली कॉज थी हाइपर कैल्शीमिया, किसकी वजह से होता है मूवमेंट, ये हाइपर पैराथायराइडिज्म जो कि एक डिजीज है, और उसमें क्या होता है कि पैराथायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होता है, और पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है वो इंक्रीज करता है। तो जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उसे कहते हैं हाइपर कैल्शीमिया। तो हाइपर कैल्शीमिया की वजह से हाइपर कैल्शियूरिया हो जाएगा, यानी कि आपकी यूरिया के अंदर जो है कैल्शियम की अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगी। जब आपके यूरिन के अंदर कैल्शियम की अमाउंट जो है बढ़ जाती है तब उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो यूरिन के अंदर यूरिन से ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, तब आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम स्टोन जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है हाइपर ऑक्सलूरिया, ठीक है, हाइपर
ऑक्सलूरिया, ऑक्सलूरिया मीन ऑक्सलेट आयंस जो होंगे, ठीक है, अब उसका बढ़ जाना हाइपर। मैंने आपको पहले बताया था कि हाइपर का मतलब होता है ज्यादा होना, ठीक, हाइपर ऊपर या बढ़ना। जब आपके यूरिन के अंदर ऑक्सलेट का लेवल बढ़ जाता है, ऑक्सलेट आयन का, तब आपको हाइपर ऑक्सलूरिया हो जाता है। यानी कि ये एक एक किस्म की कॉज समझ लें जो कि कैल्शियम स्टोन बनाने में अहम किरदार अदा करती है। और ये आप हासिल कहाँ से करते हैं, जब आप बहुत ज्यादा जो है टोमेटो का यूज करना शुरू करते हैं, या ऐसी सब्जियां जिनमें जो है पत्ते शामिल होते हैं, जैसा साग हो गया, ठीक है, तो वहां पे आप देखेंगे कि उनके अंदर आपको ऑक्सलेट आयन जो है वो ज्यादा मिलेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि आप छिलके वाली चीजें जो होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ये टमाटर वगैरह छिलके बगैर छिलके के खाएं, अगर खा भी रहे हैं तो, अगर खा भी रहे हैं तो बहुत ज्यादा ज्यादा जो है इसको यूज ना करें, और ना ही जो है लीफी वेजिटेबल्स। अब देखें, अगर हम एवोल्यूशन की बात करते हैं, तो आपकी हॉडी जो है वो काफी अरसा हो गया इससे कि वो पत्तों के ऊपर डिपेंड कर सके, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम, यानी कि आप उसको ह्यूमन नहीं कह सकते। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो जो है घास वगैरह के ऊपर गुजारा नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर सेलुलेज एंजाइम मौजूद नहीं है। अब वो उसने क्या है कि डायरेक्टली प्रोटीन लेना शुरू कर दी है मीट वगैरह से, अब बाकी और चीजों को जो है वो गोश्त वगैरह खा कर उसने गुजारा करना शुरू कर दिया। तो होता ही है कि ये चीजें जो है अब उसके लिए सही नहीं है। तो जब ऐसी चीजें खाएगा जिसके अंदर ऐसे आयंस मौजूद होंगे जिनको जो है वो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा, क्योंकि ऑक्सलेट आयन और फॉस्फेट आयन ये बहुत बड़े होते हैं। जब ये कैल्शियम के साथ बाइंड करते हैं, तो होता ये है कि जो पोर्स हैं, जो रास्ते हैं एब्जॉर्प्शन के, उनके दरमियान जो पोर्स हैं वो काफी छोटे होते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो चीजें लॉस ना हो। और जब ये कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट के आयन वगैरह बनते हैं, तो इनका साइज काफी बड़ा होता है और ये पास आउट जो है वो नहीं कर सकते, इसीलिए जो है आपकी बॉडी के अंदर स्टोन वगैरह बन जाते हैं। स्टोन का मतलब यही होता है कि ये आपस में जुड़ते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्टोन जो है वो काफी बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि आपके किसी भी जो सुराख वगैरह है आपके एब्जॉर्प्शन प्लेस के ऊपर, वहाँ उसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो बदले में क्या हो जाता है कि आपके हाँ एक छोटा सा विजिबल किडनी स्टोन बन जाता है। नेक्स्ट है हाइपर यूरिसीमिया, कि आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जो है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, यूरिक एसिड जो है वो ज्यादा होना शुरू होगा, तब क्या है कि आप में यूरिक एसिड स्टोन बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आर्थराइटिस एक डिजीज है जॉइंट्स की, ठीक है, आप जो है आपने पढ़ी होगी, क्योंकि आप जो है सेकेंड ईयर का तकरीबन सारा कोर्स पढ़ चुके हैं, तो वहां पे आपने स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर के अंदर जब जॉइंट्स की एक डिजीज पड़ी थी जिसे आर्थराइटिस कहते थे, और उसको अमूमन गाउट भी कहते हैं, और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर से मीन कि ये आपके डीएनए के अंदर लिखी होती है, जिनके अंदर ये जीन्स प्रेजेंट होंगे उनको ये डिजीज होगी, और कभी कभार जो है ये डिजीज एक को होती है, चाहे उसके अंदर जीन मौजूद भी हो, कभी कभार एक के अंदर वो डिजीज मौजूद नहीं होती, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा जीन जो है डोमिनेट है, कौन सी डिजीज डोमिनेट केस में शो होती है, कौन सी डिजीज जो है रिसेसिव केस के अंदर जो है शो होती है। ये आप जो है जब हम जेनेटिक्स को पढ़ेंगे, यानी कि जब आप वो मेंडल्स लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद आपको जाके ये चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी। ये लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इनके अंदर कंफ्यूजन हमेशा रहती है कि जब डिजीज डोमिनेट होती है तो उसका क्या मतलब है, जब डिजीज रिसेसिव होती है तो उसका क्या मतलब होता है, और जब डिजीज हेटरोजाइगस होती है तो उसका क्या मतलब होता है, यानी कि डिफरेंट कंडीशन है। अगर डिजीज जेनेटिकली भी होती है तो उसके अंदर डिफरेंट कंडीशन आती है। तो क्या है कि जब आपके बॉडी के अंदर एथराइटिस होना शुरू हो जाता है, एथराइटिस से क्या मतलब है कि आपके जो जोड़ होते हैं, जो ज्वाइंट्स होते हैं, वहां पे यूरिक एसिड की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, यूरिक एसिड डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है ज्वाइंट्स के अंदर। तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ आपके जो बॉडी है उसके अंदर यूरिक एसिड स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं, और बदले में पथरियां बनना शुरू हो जाएंगे, या फिर क्या है कि आप जो है डायरेक्ट ऐसी चीजें यूज करते हैं जो कि मीट प्रोडक्ट से बनी हो, ठीक है, मीट प्रोडक्ट से बनी हो, तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर ऐसी प्रोटीन आपको मिलेगी जो कि यूरिक एसिड जो है वो बना सकती है। तो ये डिफरेंट कॉजेज थी यूरिनरी स्टोन की। आगे देखते हैं कि इनको ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है, ये थोड़ा सा मजे का टॉपिक है। इसके अंदर आपको मैं एक मजे की बात बताऊंगा जहाँ पे आप पढ़ेंगे ओपन सर्जिकल इक्विपमेंट। तो इस यहाँ पे मैं आपको एक अजीब सा वाक्य भी सुनाऊंगा। ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी स्टोन के
यूरिनरी स्टोन को जो है वो इलाज किस वजह से करते हैं। तो 0.5 सेंटीमीटर की जो स्टोन होती है, 0.5 सेंटीमीटर की स्टोन, ये वन पास आउट हो जाती है, आपकी बॉडी में से खुद बहुत निकल जाती है। लेकिन जब 1 सेंटीमीटर से साइज बढ़ जाता है तब इनका निकलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपकी बॉडी के अंदर 2 किस्म के ऑपरेशन वगैरह की जाते हैं, जिनको कहते हैं जॉइंट्स की बीमारी है, अर्थराइटिस जिसे कहते हैं, ठीक है, अर्थराइटिस की बीमारी है गाउट, जिसके अंदर आपके जॉइंट्स के अंदर ये यूरिक एसिड की डिपॉजिटिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। किडनी में इसलिए पढ़ रहे हैं, किडनी में नहीं पढ़ रहे, आप इसे स्टोन फॉर्मेशन के अंदर पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा है कि जब आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं, ये देखें किस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे थे हम इसे, जैसे हम पढ़ रहे थे हाइपर यूरिसीमिया के, जब आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है, तो आर्थराइटिक एक केस है जिसके अंदर आपकी बॉडी में स्टोन, आपके जॉइंट के अंदर जो है यूरिक एसिड ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, ज्यादा डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। बदले में क्या है कि वो यूरिक एसिड स्टोन की फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है, यूरिक एसिड की फॉर्मेशन जो है वो कर सकता है उसके, और उसकी परसेंटेज हमने कितनी पढ़ी थी, 5-10% जो है यूरिक एसिड स्टोन होता है, यानी कि बहुत ही कम परसेंटेज है कि इसकी वजह से आपको जो है स्टोन हो सके, ठीक है। तो ये एक कंडीशन पड़ रहे हैं जिसके अंदर ये हो, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गाउट की डिजीज के अंदर यूरिक एसिड जो कि जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट हो रहा है उसकी वजह से आपकी बॉडी में यूरिक एसिड स्टोन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारा हम जो है वो यूरिनरी स्टोन के अंदर पढ़े, ना कि किडनी स्टोन के अंदर स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि 2 किस्म के ट्रीटमेंट की जाती है, एक है परक्यूटिनस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, ठीक है, जैसे PCNL भी कहते हैं, और एक है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, जैसे ESWL भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी क्या होता है। तो इसमें क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से जिस एरिया के अंदर स्टोन मौजूद है उसके ऊपर साउंड वेव जो है वो पास आउट की जाती है, हैवी साउंड वेव। तो उसके बदले में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्टोन है, तो यहाँ पे जो है साउंड वेव आ रही है और वो इसके साथ टकराएंगी, स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की छोड़ी जाती है, और जब ये इसके साथ टकराती है तो उसके मालिक्यूल्स के दरमियान, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड या यूरिक एसिड जो भी है, या स्ट्रोवाइड है, उसमें क्या होता है कि उसके मालिक्यूल तेजी के साथ वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। जब इतनी तेजी के साथ वाइब्रेशन करते हैं और कम टाइम में जब ज्यादा वाइब्रेशन होती है तो वो चीज फट जाती है, ठीक है। यानी कि आप शीशे के ऊपर हाथ रखें और उसे बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उसे वाइब्रेट करवाएं, तो इस टाइम ऐसा आएगा कि वो शीशा जो है वो टूट जाएगा। तो ये है कि इसी तरह साउंड वेव जो है वो भी इसी तरह काम करते हैं कि एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी जो है जब वो टकराती है स्टोन के साथ तो वो जो है टूटना शुरू कर देता है। इसके एग्जांपल इस तरह से है कि कुछ मौसीकी के आलात जो हैं या जो इंस्ट्रूमेंटल लोग होते हैं वो अक्सर ऐसा करते हैं कि एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के साथ एक साउंड बजाते हैं और सामने शीशे का ग्लास तोड़ देते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है कि वो जो शीशे के जो रेजोनेंस होती है वो साउंड के रेजोनेंस के साथ मैच हो जाती है, जब वो मैच हो जाती है तो वो शीशा जो है वो टूट जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही मैकेनिज्म जो है वो साउंड वेव लिथोट्रिप्सी के अंदर भी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है परक्यूटिनस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, इसके अंदर क्या है कि आपकी बैग में से डायरेक्ट एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है आपकी किडनी के अंदर या उस पॉइंट पे जहां पे ये स्टोन वगैरह मौजूद है, ठीक है। जिस तरह इंजेक्शन होता है बिल्कुल इस तरह की डायरेक्ट ट्यूब आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट की जाती है उस पॉइंट के ऊपर जहां पे क्या है स्टोन वगैरह मौजूद है। अब क्या किया जाता है कि अगर मैं आपको यहाँ आपके सामने यहाँ पे एक स्ट्रिंज से ड्रॉ करूँ, बिल्कुल देखिए उसी तरह होती है जिस तरह आपके इंजेक्शन की स्ट्रिंज होती है इस तरह से, और कभी कभार जो है यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐड भी किए जाते हैं जो कि उसको तोड़ देंगे, फिर उसके बाद वो स्टोन जो है वो टूट जाएगा या फिर इसी के साथ क्रश करके इसको यहाँ से सक कर लेते हैं, यानी कि उस पथरी जो है वो स्टोन जो है उसको इस ट्यूब के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। अक्सर यहाँ पे जो है कैमरास वगैरह भी इंसर्ट किए जाते हैं और यहाँ पे जो है ऐसी चीजें भी ऐड की जाती है जिसकी वजह से इसको छोटे हिस्सों में तब्दील किया जा सके। अब बात करते हैं ओपन सर्जिकल इक्विपमेंट की। जब आपके पास स्टैगहॉर्न स्टोन आते हैं जिनकी शेप जो है वो इस तरह से होती है, अमूमन कुछ स्टोन जो है वो अक्सर ऐसे बन जाते हैं जो कि स्टैगहॉर्न यानी कि बारहसिंगा के सींगों की तरह होते हैं,
अब उनका रिमूवल जो है वो इस तरह से मुश्किल हो जाता है, तब आपको ओपन सर्जिकल ऑपरेशन जो है वो करना पड़ता है, यानी कि डायरेक्ट आपको जो है काट के वहां से एक उस स्टोन को निकाल दिया जाता है। अब ये बहुत पुराना तरीका है, बहुत ही पुराना तरीका है कि जब आपको काट काट दिया जाता था, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ ऑल अबाउट जब आपको इजाजत नहीं होती थी कि जिंदा इंसानों को जो है वो काट सकें, यानी कि जहाँ पे लोग जो है वो अपेंडिक्स से मर जाया करते थे, क्योंकि उनको नहीं पता होता था कि इस डिजीज का इलाज क्या है, और जिंदा इंसानों को काटना जो था वो यानी कि ऑपरेशन के लिए इस एरिया के हाथों पर आपकी चेस्ट कैविटी से लेकर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो है काटना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, और ना ही जो है उनकी डेड बॉडीज को। तो क्योंकि जो जिंदा होते थे वो क्यों, क्योंकि आपके पास बेहोश करने की कोई ऐसी दवाई नहीं होती थी, और कौन अलाउ करेगा कि उसकी इस पोर्शन को काट दिया जाए जब उनके पास स्ट्रेचिंग की सही सहूलत मौजूद ना होती थी। तो वो क्या करते थे, मैं बात कर रहा हूँ ओपन सर्जिकल इक्विपमेंट की, कि जब आपके पास टैग हॉर्न आते हैं, कि स्टोन टैग हॉर्न क्या होते हैं कि वो उनकी शेप जो है पथरी की वो इस तरह से होती है, स्टोन की शेप इस तरह से होती है। इनको अब ESWL या PCNL की मदद से निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनमें जो है काफी ज्यादा ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि स्टक हो जाते हैं उस जगह के ऊपर। ठीक है, 10 मिनट रह गए, उसके बाद मैं नया लिंक भेजूंगा। तो यहाँ पे क्या है कि स्टक हो जाते हैं उस जगह के ऊपर, तो उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। अब इसके लिए क्या किया जाता है कि डायरेक्ट कट लगाया जाता है उस जगह के ऊपर जहाँ पे ये स्टोन मौजूद है, और उसको उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से वहां से डायरेक्ट निकाल दिया जाता है, यानी कि ओपन सर्जरी की जाती है, जिस तरह आपके दिल की जो है वो ऑपरेशन किया जाता है, यानी कि डायरेक्ट कट लगाया जाएगा। जबकि इनमें क्या है कि एक में तो साउंड वेग बिल्कुल सिक्योर है कि ऊपर से एक साउंड फैन मशीन लगाएंगे और वो टूट जाएगी, और दूसरी में कि ट्यूब इंसर्शन के पीछे से एक जो है जस्ट वो ट्यूब इंसर्ट करेंगे बॉडी के अंदर, और कुछ चीजें उन्होंने इंसर्ट नहीं करी, ना ही उन्होंने कोई कट वगैरह लगाना है। तो लेकिन ओपन सर्जिकल इक्विपमेंट में डायरेक्ट जो है जिस तरह आपके अपेंडिक्स ऑपरेशन कर दिया जाता है कि कट लगा के उसमें से अपेंडिक्स को बाहर निकाल दे देते हैं, तो इसी तरह स्टैग हॉर्न स्टोन के अंदर भी वही करते हैं। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि आपके पुराने दौर की, तो ऐसा होता था कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी बंदे को कोड हो गया है पाँव के ऊपर या पाँव के अंगूठे के ऊपर जो है उसे क्या हो गया है, कोड हो गया है, तो जब उसे तबीब के पास लेकर जाते थे उस टाइम पे जो माहिर डॉक्टर होता था तो अमूमन क्रिश्चियन होते थे, मैं इस्लाम से पहले की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या करते थे कि एक उसका एक किस्म की जगह होती थी स्पेसिफिक, वहां पर उसको लेके जाते थे, और जब वो डॉक्टर देखे हाँ जी इसको तो कोड हो गया, और कोड तो है पूरी बॉडी के अंदर फैलता है, तो उनके पास अब अदवियात तो नहीं होती थी, अब वो क्या करते थे कि उसको ना एक स्ट्रेचर के ऊपर लटा देते थे और उसके बाजू और पाँव को ना बांध देते थे, और कहते थे कि आप जो है ना ये मुंह के अंदर ये लकड़ी रख लें, ठीक है, ताकि आपको जो दर्द होगा उससे आप जो है वो इसके ऊपर जो है जोर लगा के बर्दाश्त करें। और वहां पर उन्होंने जीसस क्राइस्ट की एक फ्रेम लगाई होती थी, देखें तो वो कहते हैं आप जो है वो जीसस को देखें वहां पर, तो जब वो उधर जीसस को देखते उधर से वो आरी लेकर आते ना आरी, और आरी के साथ उसका पाँव काट देते थे, और जब पाँव काट देते थे तो उसके बाद वो गरम गरम लोहा जो कि रेड ग्लो कर रहा था तो उसके ऊपर लगाते थे, और वो लगाने के बाद उसके ऊपर से शराब डाल देते थे, यानी कि फिर उसके बाद उसको बांध देते थे कि आपका इलाज जो है वो कंप्लीट हुआ, यानी कि इस किस्म का पुरसकून इलाज होता था, कि यानी कि वो बंदा कोर से मरे ना मरे उस इलाज से जरूर मर जाएगा, यानी कि पहले उसको आरी से काटते थे, यानी कि अंदाजा लगाएं कि एक आरी के साथ आपका पूरे का पूरा पैर काट दिया जाए, फिर उसके ऊपर एक गरम गरम लोहा लगा देते थे ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, फिर उसके ऊपर जो है अल्कोहल डाल देते शराब डाल देते ताकि जो पैथोजेंस वगैरह हैं वो मर जाए। तो इस किस्म के इलाज आपके माजी में होते रहे, और आपने जो है टेक्निकली तरक्की की है, और आपके इलाज आप ही बहुत आरामदेह हो गए हैं, लेकिन ये है कि शुरू जमाने में इस तरह के ऑपरेशन हुआ करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम रीनल फेलियर की, या रीनल किडनी फेलियर की, कि आपका किडनी जो है वो काम करना छोड़ देगा, जो उसका नॉर्मल फंक्शन है, यानी कि जो वो कुछ चीज़ों की सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कर रहा होता है अब वो काम करना छोड़ देगा। ठीक है, रीनल फेलियर के अंदर या किडनी फेलियर के अंदर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज ग्रेजुअली डिक्रीज, कुछ टाइम गुजरता है, अब वो डिपेंड करता है कि एक्यूट किडनी फेलियर है या क्रोनिक किडनी फेलियर है, तो ये डिपेंड करता है कि कितना टाइम के बाद आपको ये फेलियर होता है। तो अगर जल्दी हो रहा है तो वो एक्यूट होगा, अगर वो बहुत ज्यादा टाइम लेकर आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है तो वो क्रोनिक होता है। ठीक है, तो दो फॉर्म है फेलियर की, एक है एक्यूट किडनी फेलियर और दूसरा है क्रोनिक किडनी फेलियर। और किडनी फेलियर में नाम से जाहिर है कि ये इसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले है कि एक्यूट किडनी फेलियर, कि एक्यूट किडनी फेलियर के अंदर क्या होता है। तो होता यह है कि अचानक से, अब यहाँ पे ग्रेजुअल की बात नहीं कर रहे, अचानक से आपका जो किडनी है वो वेस्ट मटेरियल को फिल्टर नहीं कर सकता, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, होता ही क्या है कि आपका जो किडनी है वो क्या करता है कि अचानक से जो वेस्ट है उनको फिल्टर करने से कासिर हो जाता है, उनको फिल्टर नहीं कर सकता। अब ये केस कितनी जल्दी होता है, कुछ घंटों से कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको ये जो है फेलियर उसका सामना होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों के अंदर। अब ये बात डिफ्रेंशिएट करेगी इसको क्रोनिक किडनी फेलियर से। ठीक है, तो उसको ध्यान के अंदर रखना है कि डेवलप रैपिडली इन फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज। अच्छा, किन लोगों को हो सकता है, कि वो लोग जो हॉस्पिटल के अंदर पहले से मौजूद हैं या फिर क्रिटिकली इल हैं, बहुत ज्यादा जो है बीमार हैं, खास तौर पर वो लोग जो आईसीयू वार्ड में पड़े होते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट में पड़े होते हैं, उनको चांसेस होते हैं कि वो एक्यूट किडनी फेलियर जो है वो हो सके। अब क्यों हो सके, फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे जो लोग इंटेंसिव केयर यूनिट में पड़े होते हैं, आईसीयू वार्ड वगैरह में, जिनको बहुत ज्यादा जो है अलहदा रखा जाता है, तो उनमें क्या है कि फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया है और बहुत जो है जानलेवा एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके अंदर क्या होगा कि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो हो जाएगी। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, जाहिर सी बात है उसको एक्सीडेंट हुआ है, कहीं पर उसे चोटें लगी हैं, तो उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग डेफिनेटली होगी। अब वो ब्लड क्लॉट जो है वो मूव करके ब्लड के अंदर जब मूव करके जाते हैं और जाते हैं किडनी के अंदर जाके वो हो जाते हैं स्टक। जब स्टक हो जाते हैं तो तब जो है किडनी का ये फेलियर सिस्टम जो है इनेबल हो जाता है, कि यानी कि वो जो फिल्टरिंग प्रोसेस था वो काम करना जो है वो छोड़ देगा, क्योंकि अब जो है ऊपर से ब्लॉकिंग आ गई है। ब्लॉकिंग आएगी तो कुछ मटेरियल पैसे अंदर जाएगा नहीं, जब अंदर नहीं जाएगा तो वहां पे आप जो है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से रुक जाते हैं। ठीक है, या फिर ये है कि कुछ लोगों के अंदर कुछ चीजें हद से बढ़ जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ कोलेस्ट्रोल की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे यहाँ कोलेस्ट्रोल का लेवल बहुत ज्यादा होता है लोगों का और लोग इसकी केयर बिल्कुल नहीं करते। हालांकि हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रिस्क जो है वो कोलेस्ट्रोल की वजह से होता है। कोलेस्ट्रोल की वजह से किस तरह से होगा कि यह जो है आपकी ब्लड वेसल्स को जो है वो हार्ड कर देता है, यानी कि वो पंपिंग के लिए सही तरीके से काम नहीं करती। अब वो जो कोरोनरी आर्टरीज हैं जो आपके दिल को क्या लेके जा रही हैं, ब्लड लेके जा रही है, दो किस्म की ऐसी आर्टरीज हैं जिनके बारे में हम बहुत ज्यादा कम पढ़ते हैं। ठीक है, एक है कोरोनरी आर्टरी और दूसरी है कैरोटिड आर्टरी। कोई इन दोनों में फर्क बता सकता है मुझे? सही है, सलार ने भी सही जवाब दिया। अच्छा, तो जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो बेसिकली हार्ट को ब्लड लेके जाती है लेकिन पंपिंग के लिए नहीं लेके जाती। ठीक है, ये एक डिफरेंस याद रखना कि हार्ट को ब्लड तो लेकर जाती है लेकिन पंपिंग के लिए नहीं लेके जाती। वो हार्ट को ब्लड इसलिए लेके जाती है कि वो हार्ट को क्या करे, एनर्जी सप्लाई करे, जैसे आपके बाकी टिश्यूज को जो है वो एनर्जी सप्लाई होती है। तो मैं बात कर रहा था कोरोनरी की। तो कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज होती हैं जो ब्लड लेके जाती हैं दिल में लेकिन पंपिंग के लिए नहीं, बल्कि उनको एनर्जी या ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, ताकि जो दिल के मसल्स हैं वो अपना फंक्शन वाला काम जो है वो सही तरीके से कर सकें। इसी तरह कैरोटिड आर्टरी का भी वही फंक्शन होता है जो कि ब्रेन को लेकर जाती है। ठीक है, अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कोलेस्ट्रोल की। तो कोलेस्ट्रोल लेवल ज्यादा हो जाना या ब्लड क्लॉट्स जो हैं इनकी वजह से जो है क्या हो जाएगा कि जो आपका किडनी है वो सही तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा और कभी कभार ऐसा होता है कि वो फेटल हो जाता है, कि जानलेवा साबित भी हो सकता है और उनको जो है इंटेंसिव केयर के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, इंटेंसिव केयर के अंदर रखा जाएगा क्योंकि आपका जो किडनी है वो सही तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं करेगा तो पॉइजन लाइक मटेरियल की डिपॉजिटिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब ऐसी चीजें जो आपकी बॉडी से निकल जानी चाहिए जब आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होती हैं, देन इट विल बी वेरी पेनफुल और हो सकता है कि कैन बी फेटल। ठीक है, रिवर्सिबल भी है अगर अगले बंदे की सेहत जो है अच्छी है, अगर वो जो है स्मोकिंग वगैरह करके अपना इम्यून सिस्टम डाउन नहीं कर रहा, या फिर ये है कि वो हेल्दी है लेकिन अचानक किसी हादसाती तौर पर एक्सीडेंटली जो है एक्यूट किडनी फेलियर हो गया तो वो रिवर्सिबल हो सकता है। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसका इम्यून सिस्टम पहले से ही जो है मरा हुआ है, या फिर ये है कि उसकी ज़हनी सोच जो है वो उसको जो है अमूमन स्ट्रेस के अंदर रखती है, उसकी बॉडी की हालत ऐसी है कि वो जुकाम को भी सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता, तब जो है उसके लिए रिवर्सिबल होना
मुश्किल हो जाता है और वो अक्यूट जो है वो क्रोनिक के अंदर तब्दील हो जाता है। तो हमने दो काजेज पढ़नी है इसकी, एक तो ब्लड क्लाट्स हैं, दूसरा है कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, नेक्स्ट है कीमोथेरापी ड्रग्स। एक मिनट से कम रह गया है, मीटिंग किसी वक्त भी खत्म हो सकती है। ठीक है, कीमोथेरापी ड्रग्स, एंटीबायोटिक और टॉक्सिन, अल्कोहल। अच्छा, तो हम मैं बात कर रहा था कि अमूमन मैंने पहले भी आपसे बात करी थी कि जो यूरोपियन कंट्रीज होते हैं वहाँ पे उनकी कोशिश होती है कि वो डॉक्टर्स की कोशिश होती है कि वो जो उनके पेशेंट आते हैं उनको कम से कम दवाइयाँ दी जाए, यानी कि वहाँ पे जो मेडिसिन दी जाती हैं उनको रेयर केसेस में दिया जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तभी जो है उनको दी जाती है, यानी कि जो लोग जिन लोगों को पता नहीं होता तो वो जो है वो ज्यादा मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन क्या है कि उनके जो अपने लोग भी होते हैं वो उनकी कोशिश होती है कि वो सर दर्द के अंदर वो जो है पेनाडोल टेबलेट लाइक जो है वो मटेरियल ना लें। उनकी वजह क्या होती है कि वो इस किस्म के किडनी फेलियर जो है वो कॉज कर सकती हैं, जिस वजह के कीमोथेरेपी ड्रग्स जैसे आप जो मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स जो लेते हैं, ठीक है, टॉक्सिन लाइक मटेरियल अल्कोहल या हैवी मेटल्स या कोकेन जो है, ये जो नशावर अद्वियात होती हैं, इनके अंदर भी ऐसे फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं जो कि आगे जाके आपका एक्यूट किडनी फेलियर जो है वो काज कर सकते हैं। ठीक है, तो अमूमन डॉक्टर्स की अवलीन कोशिश होती है किसके अंदर कि आपको जो है आपको एक्यूट किडनी फेलियर जो है वो ना हो। सही है, नेक्स्ट जैसे हमारे पास क्रोनिक रीनल फेलियर, तो ये ग्रेजुअली लॉस ऑफ किडनी फंक्शन है कि ये यानी अचानक से नहीं होगा, इसको होते होते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो है अचानक से नहीं होगा। दो किस्म की डिजीज होती हैं, एक होता है एक्यूट और एक होती है क्रोनिक। एक्यूट जो है वो क्रोनिक से कम होती है, कम पेनफुल होती है, कम जो है वो ड्यूरेशन के लिए होती है, लेकिन क्रोनिक जो है वो लंबे अरसे के लिए भी होती है और अक्सर डिजीज की लास्ट स्टेज होती है, तो क्रोनिक जो है वो हमेशा खतरनाक होती है। तो ग्रेजुअली लॉस होता है, यानी कि दिनों के अंदर नहीं होगा, इसको लगते रहते तकरीबन सालों लग जाएंगे। ठीक है, तो ग्रेजुअली लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, आप जो चीज़ ग्रेजुअली हो रही है, इसको साल लग रहे हैं, तो इसको फिर ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एक ऐसी बीमारी जो आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही है, इसकी दूसरी एग्जाम्पल हम एड्स ले सकते हैं कि जिसको डिवेलप होते होते तकरीबन 6 महीनों से 1 साल लग जाता है, तो जब वो हो जाती है तो तब आप कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए जो क्रोनिक फेलियर्स हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो क्रोनिक फेलियर अमूमन जो है कि कहाँ लेके जा सकते हैं, एंड स्टेज रीनल डिजीज, जब क्रोनिक रीनल फेलियर जो है बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुंच जाएगा। ठीक है, जब बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुंच जाएगा तो उसे कहते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज। ठीक है, जब क्रोनिक रीनल फेलियर जो है वो बिल्कुल एंड में चला जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि आप उसको क्या कहेंगे, एंड स्टेज रीनल डिजीज या यूरेमिया भी कह सकते हैं, कि यूरिक एसिड की क्या है कि या यूरिया की अमाउंट जो है आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अगर ये एंड स्टेज को पहुंच जाते हैं, यानी कि एंड स्टेज रीनल डिजीज को पहुंच जाते हैं, तब ये फेटल हो जाएंगे कि अगर आप इसे आर्टिफिशियल फिल्टरिंग ना करें या ट्रांसप्लांट नहीं करवाएंगे तो आप जिंदा नहीं रह सकते, यानी कि क्रोनिक फेलियर जो है यहाँ तक बढ़ जाएगा कि अगर आप आर्टिफिशियल फिल्टरिंग नहीं करवाते या फिर आप ट्रांसप्लांट नहीं करवाते तो आपकी डेथ हो सकती है, आपके लिए नेसेसरी हो जाएंगे। ठीक है, काजेस क्या है कि ये जो पहली बात देखते हैं कि ग्रेजुअली ओवर टाइम इयर्स टू डिकेड्स, यानी कि सालों से 10 साल, यानी कि डिकेड 10 साल को कहते हैं, तो कहते हैं कि साल कपल ऑफ ईयर्स जो हैं वो लग सकते हैं इस फेलियर को डेवलप होने में। ठीक है, जो मेन कॉजेज हैं इसकी वो डायबिटीज़ है और हाइपरटेंशन है, टेंशन का ज़्यादा लेना। ठीक है, डायबिटीज़ के अंदर बता दूं कि अब जो डायबिटीज़ होती है उसके अंदर आपका शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल वो ज़्यादा हो जाता है। शुगर आपकी बॉडी को चाहिए होती है एनर्जी बनाने के लिए, नेसेसरी एलिमेंट है, लेकिन अगर आपके बॉडी के अंदर शुगर ज़्यादा हो रही है तो मतलब आपको नुकसान क्या हो रहा है, आपको तो फिर क्या है कि ज़्यादा एनर्जी बनानी चाहिए, लेकिन डायबिटीज़ के अंदर होता क्या है कि आप एनर्जी नहीं बना सकते, वो शुगर जो है वो कन्वर्ट नहीं हो सकती, इंसुलिन जो है वो कन्वर्ट वो टिश्यूज़ को देती है वो शुगर, क्या आप इसे क्या करें कन्वर्ट करें एनर्जी के अंदर, तो अब इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर बन नहीं रही होती, तो मतलब में क्या है कि वो शुगर ब्लड के अंदर ही रहती है, लेकिन जब वो जाती है किडनी के अंदर तो किडनी के जो वाल्व, खासतौर पर टिश्यू नेफ्रॉन्स की जो वाल्व होती हैं उसको डैमेज करती हैं वो, या जो शुगर होती है, शुगर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं नेफ्रॉन्स की जो किडनी की जो वाल्व होती हैं उसको डैमेज करती हैं, और जब ये डैमेज हल्का हल्का लगा रहेगा तो कुछ टाइम बाद आपको क्रोनिक रीनल फेलियर जो है वो डेवलप
हो जाएगा, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लेते हैं, जिसमें आपके आपको जो है दर्द वगैरह हो रहा होता है, आपको जो है जलन वगैरह हो रही होती है, तो आप उसके बदले में जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, ठीक है, या फिर आप क्या करते हैं कि दूसरी एनाल्जेसिक्स मेडिकेशन ले रहे होते हैं जो जरासीम कुश होती है, ठीक है। तो जब आप ऐसी मेडिसिन लेते हैं तो उनके अंदर कुछ, मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह अल्कोहल लेते हैं तो उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है अल्कोहल के अंदर, तो इसी तरह बाकी जो एनाल्जेसिक मेडिकेशन जो कि आपको आपके जरासीम वगैरह को खत्म करने के लिए, दर्द को खत्म करने के लिए जो है यूज करते हैं आप, तो उसके अंदर भी कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो कि आपके किडनी में से पास आउट नहीं हो सकते और वहां पे जाके इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, और बदले में क्या होना शुरू हो जाता है कि आप में क्रोनिक फेलियर जो है वो काज करने के विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, इसको लगने में बहुत ज्यादा टाइम जो है वो लग जाएगा, ठीक है। रीनल फेलियर की ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है, तो एक्यूट रीनल फेलियर जो है जो जो लेस कह सकते हैं कि पेनफुल है या लेस टाइम के लिए होता है, तो अगर किसी बंदे को इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जाए, ठीक है, तो हो सकता है कि वो उस चीज से बच जाए, या फिर डायलिसिस की जाए। डायलिसिस से क्या होता है कि किडनी वाला फंक्शन जो है आप साइड बॉडी आप परफॉर्म करेंगे और किडनी को थोड़ा रिलैक्स देंगे, हो सकता है वो नॉर्मल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। दूसरे कि आप डायट्री मॉडिफिकेशन शुरू कर देंगे, ठीक है। डायट्री मॉडिफिकेशन से क्या है कि आप ऐसी फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी के अंदर का सोडियम आयन ज्यादा हो गए, कैल्शियम आयन ज्यादा हो गए, तो आप वो चीजें लेना शुरू कर देंगे जिनके अंदर ये चीजें बहुत कम होती हैं, ताकि आपकी बॉडी में मजीद डेवलपिंग इनकी ना हो सके, ठीक है। जो आपकी बॉडी के अंदर जो आप खाना वगैरह खाते हैं उसके अंदर हर किस्म के एलिमेंट होते हैं, तो फिर आपको ऐसी सजेशन दी जाती है कि आप ऐसे खाने ना खाएं, ठीक है, जिसमें से क्या हो कि आपके बॉडी के अंदर वही आयन डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, या फिर वो आपकी वो फंक्शनल ग्रुप ना आपको ना मिले जो कि आपकी बॉडी के अंदर डैमेज कॉज कर रहे थे। क्रोनिक रीनल फेलियर की बात कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि ऐसी चीजें लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप डायबिटीज को ध्यान में रखते हैं कि मैंने क्या कहा था कि जो शुगर होती है वो जाके आपकी किडनी के अंदर क्या करती है, उसकी वास को डैमेज करती है, तो फिर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करते हैं कि किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं कि आप तो जाके स्पेसिफिक साइट के ऊपर टारगेट के ऊपर जो जगह एक्ट कर रही है, जो नुकसान पहुंचा रही है, आप उसको ही खत्म कर दें। अगर वो नहीं खत्म हो रही तो आप जो चीज वहां पे नुकसान पहुंचा रही है उसकी खुराक की जो निजाम है उसको काट दें, या फिर किसी तरीके से जो है आप उस जगह का टेम्परेचर चेंज कर दें, उस जगह का पीएच चेंज कर दें, यानी कि उसके लिए वो जगह सुटेबल ना बना दें, या उसको इतना कमजोर कर दें कि वो डिजीज काज करने के काबिल ना रहे। इसी तरह डायबिटीज में क्या है कि शुगर आपकी बॉडी वाल्स को किडनी वाल्स को जो है डैमेज कर रही होती है, तो आप क्या करते हैं कि शुगर लेवल को अगर कंट्रोल कर लें तो हो सकता है कि आप जो है क्रोनिक रीनल फेलियर को जो है वो एंड लाइफ तक लेके जाए, ठीक है, खत्म तो नहीं होगा लेकिन ये है कि आप इसको एंड लाइफ तक जहां तक आप जिंदा रह सकते हैं, यानी कि आपकी मरने की वजह किडनी फेलियर ना हो, तो आप इसे एंड लाइफ तक लेके जा सकते हैं। इसी तरह हाइपरटेंशन के लिए जो आप मेडिकेशन वगैरह जो है वो यूज करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्या है कि आप जो है इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, जिस तरह आप एड्स को एक्सटेंड करते हैं। अच्छा, जब क्रोनिक रीनल फेलियर जो है वो एंड स्टेज में पहुंच जाता है, यानी कि एंड स्टेज रीनल डिजीज को पहुंच जाता है, तब आपके लिए डायलिसिस या ट्रांसप्लांट वो नेसेसरी हो जाता है। अब आपको बार बार जो है वो डायलिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके साथ आपका आज का लेक्चर जो है ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो लाजमी कर सकता है।